हाँ अरे उस हमें वहाँ तो अंदर घुसा जॉगिंग देंगे कर अंदर रही हैं घुसा देंगे जॉगिंग। अंदर घुसा देंगे जोहा ज़रा स्ट्रेचिंग नहीं करो, पाँव में तकलीफ हो जाएगी बेबी। जोहा की स्ट्रेचिंग देखें कितनी प्यारी है, माशाल्लाह जोहा बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग करती है ना जोहा। जोहा के साथ मम्मा भी अब वर्कआउट करेंगी, ठीक है? चलो बहुत ज़बरदस्त वर्कआउट किया। टैंक चौक पर जी, टैंक, टैंक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ज़बरदस्त, गुड हो गया। अच्छा असलाम तो कर दें, असलाम तो कर दो। और जोहा के पीछे बाल देखें। क्या करिए, क्या कर रही थी आप? जोहा के बाल गीले हो रहे, जोहा कैसे लगाया भाई। चलो जोहा आपका वर्कआउट करिए, जंपिंग जंपिंग। हम लोग खाने लगे अपनी ज़बरदस्त मटन कढ़ाई। ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त यमी सी हमारी मटन कढ़ाई है, देखें। ओए हो सिंपल रायता बनाया है मैंने, सिंपल सा सिर्फ दही रखा है, सिर्फ नमक डाला है बस और कुछ नहीं। बाकी इस कढ़ाई से हम खाएंगे। अभी फिलहाल मैं रोटी से खा के देखती हूँ कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? होप यू सब खैरियत से होंगे। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग की दुआओं से और मोहब्बत से और प्यार से। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन मेरा रंग ना बहुत येलो येलो सा हो रहा है। आज मैं घबरा रही थी, मेरे हस्बैंड का मेरा रंग बहुत येलो येलो हो रहा है, तो हस्बैंड ने कहा नहीं कुछ नहीं होता, आप सी एस सी वगैरह लो ठीक हो जाओगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जोहा नेला जहरा उन्होंने जहरा आपी की चीज़ें निकाली हुई आज, और चप्पल भी पहनी हुई है, चप्पल भी पहनी हुई है जहरा आपी। ओके जी, अच्छा चलिए आज मैं आपको कुछ दिखाऊंगी और कुछ बताऊंगी अपने बारे में कि मैंने मेरा पाकिस्तान आर्मी से क्या ताल्लुक रहा है और मैंने स्पोर्ट्स किस लेवल से खेला है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने पहले पाकिस्तान वापस ज्वाइन किया, सबसे पहले मैंने ज्वाइन किया था ना डिपार्टमेंट में, मैंने रेलवे ज्वाइन किया था, मैंने रेलवे से स्पोर्ट्स खेला है। और मैं साथ साथ तस्वीरें भी चलाती रहूँगी, आप लोगों को दिखाती रहूँगी। मैंने पाकिस्तान रेलवे से फर्स्ट मैंने डिपार्टमेंट जो ज्वाइन किया था पाकिस्तान रेलवे था, फिर मैंने सेकंड जो डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था वो पाकिस्तान वापडा था, और तीसरा डिपार्टमेंट मेरा पाकिस्तान आर्मी था। मैंने इन तीनों से गेम खेले हैं, इनसे मैंने अपने जो शुरुआत की थी वो मैंने कराची अपने स्कूल से की थी, फिर मैंने सिंध से खेला, फिर मैंने यूनिवर्सिटी से खेला, फिर मैंने पाकिस्तान लेवल पर खेला अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पाकिस्तान के, आपको पता, सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, और सिंध की मैं फर्स्ट चैंपियन रही हूँ हमेशा। तो कुछ साथ साथ दिखाते भी रहते हैं आपको। ये देखें जी, ये थे मेरा एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स ऑफ मेरिट नेशनल रैंकिंग एथलेटिक मीट सन 2006। किरण अलादीन, यूनिट रेलवे, 800 मीटर वुमेन। परफॉर्मेंस टाइमिंग है यहाँ पे 3 मिनट 6 सेकंड में मैंने 800 मीटर रेस कंप्लीट की थी, और मेरी प्लेस और रैंकिंग, मेरी पोजीशन थी सेकंड पोजीशन। ठीक है जी, ये है मेरा रैंकिंग का, पाकिस्तान रैंकिंग का सर्टिफिकेट्स। ठीक है जी, और यहाँ पे कुछ अखबार हैं जी। ये मेरा मैराथन रेस का अखबार है, ये मैं हूँ जी। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ये मैं हूँ, ये देखिए जी। और ये मेरी फर्स्ट है लाड़काना में, मैंने पहला जो स्पोर्ट्स किया था, ये मैं सेकंड पोजीशन थी मेरी इसमें। ये भी मेरी है, लाड़काना की तस्वीर है, हैदराबाद सिंधी उसमें है, और बाकी सारे हैं मेरे कराची सिटी एथलेटिक गेम्स ये सब। इसमें देखिए किरण अलादीन, कोरंगी गर्ल्स फर्स्ट पोजीशन। ये देखें, ये तो इतने बम्बार लगे हुए ना कि आपको मैं दिखाते दिखाते ना मैं थक जाऊँगी। ये देखें फर्स्ट पोजीशन किरण कराची, 800 मीटर रेस, फर्स्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट सिंध एथलेटिक चैम्पियनशिप। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएं तो ये है फोर्थ सिंध स्कूल गेम्स लाड़काना, किरण कराची सेकंड पोजीशन, 400 मीटर रेस, 1 मिनट 14 सेकंड्स। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएं तो फिर काफ़ी सारे सर्टिफिकेट, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, यहाँ आ जाए सर्टिफिकेट्स। किरण हाई जम्प फर्स्ट पोजिशन, ये देखें जी 13 अगस्त, 14 अगस्त,
है जी। अब ये तो बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाती रहूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। ये कुछ स्कूल के हैं मेरे, ये सिटी स्कूल का है मेरा, ये है सन 2014 सिटी स्कूल का है ये मेरा, ये भी सन 2018 का, बीच के भी यहीं कहीं होंगे, द सिटी स्कूल मिस किरण, और यहाँ पे भी सिटी स्कूल के ही हैं अंदर। हाँ ये रहे सिटी स्कूल के ही हैं अंदर, ये रहे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ये सन 2017 का दिखाने लग गई, दिखाती रहूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। ये देखेंगे बहुत टाइम हो जाएगा। ये सब चीज़ें हैं मेरी सिटी स्कूल की, ये स्कूल की, और सर्टिफिकेटों का बम्बार आप देखेंगे, सर्टिफिकेटों का ये देखेंगे, ये सारे सर्टिफिकेट हैं। इंटर प्रोविजनल अंडर 16 ईयर्स टूर्नामेंट 2001-2002 ये देखेंगे। ये बहुत सारे हैं, मैं आपको क्या क्या दिखाऊँ, ये देखें, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड कोचिंग सेंटर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, किरण अलादीन, और यहाँ पे देख लें आप 400 मीटर रिले रेस स्पोर्ट्स, ये देखिए फर्स्ट पोजीशन। चलो जी इतने, ये इतने सारे सर्टिफिकेट हैं, मैं आपको दिखाती रहूँगी, ये देखें तो बहुत देर हो जाएगी। ये यहाँ पे देख लेते हैं जी, ये है पाकिस्तान रेलवे स्पोर्ट्स बोर्ड, ये मतलब इंटर होते ना, ये उसका है किरण कराची, 800 मीटर रेस थर्ड पोजिशन, और टाइमिंग आप देख लें 2:50। बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं, ये सारी मेरी अचीवमेंट है, मेरी ज़िंदगी भर की कमाई हुई मेहनत है ये जी। मम्मा तो बहुत अच्छे काम, ये देखिए सारे सारे इनको मैं बहुत अच्छे से इस तरीके से रखती हूँ, तो मैंने आपको निकालने के लिए, जब मैंने मेरी टोरेस में अप्लाई किया था, इसका अपॉइंटमेंट लेटर है अंदर, ये दिखा देती हूँ, ये देखिए मिस किरण अलादीन कराची ऑफर ऑफ द पोस्ट ऑफ पीई टीचर, और बाकी ये सब चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है मेरिटोरियस ओ लेवल कैंपस का, और ये हमारे सिटी स्कूल में हर साल एक ना एनुअल फंक्शन होता है, तो वहाँ पे रेस वगैरह होती हैं, तो मैं वो रेस जीत गई थी फर्स्ट पोजीशन, ये देखें टीचरों की रेस में, ये 2017 स्पोर्ट्स डे। और ये मेरी कुछ शीट्स हैं, ये टेक्निकल, ये रिफ्लेक्शन स्कूल है, यहाँ पर टेक्निकल ऑफिशियल में गई थी, और ये मेरा कार्ड है सिटी स्कूल का, और ये कुछ सिटी स्कूल के बैग्स वगैरह जो बच्चों के मिलते थे, हम सब अपना सामान रख लेते थे, ये पूरे मेरा डॉक्यूमेंट से भरा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये तो मैंने आपको अपनी ना लाइफ का एक चौथा हिस्सा भी नहीं दिखाया जो मैंने जीता है, ये चौथा हिस्सा भी नहीं है। यहाँ पर जो है ना बम्बार लगी हुई है मेरे सर्टिफिकेटों की, मेरे सर्टिफिकेट्स की, ये देखें यहाँ पर बम्बार लगी हुई है, ये देखें तो ये बहुत सब कुछ जो बार फट जाएगा। आपको यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि मेरे अब्बू थे, जब मैं स्पोर्ट्स खेल के आती थी, मैं जीत के आती थी ना, तो मेरे पास जो कप होते थे उस पर नाम होता था मेरा, सर्टिफिकेट मेरा नाम होता था, अखबारों में मेरा नाम होता था किरण अलादीन, मेरे अब्बू का नाम अलादीन था, मेरे अब्बू इतना प्राउड फील करते थे, इतना प्राउड फील करते थे, मेरे अब्बू कहते थे मुझे इतनी खुशी होती है जब मेरा नाम अखबार में आता है, मेरी बेटी के साथ लगकर मेरा नाम आता है, मुझे इतनी खुशी होती है। तो ये और अच्छा पता क्या है, हमारे ना खानदान में ना ऐसा है कि लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती, ठीक है, तो लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे निकाला, उस पर लोगों ने इतनी बातें की कि बिहाई लगाई भी है, बच्ची को बाहर निकाला पाया, जवान लड़की को बाहर जाने की इजाज़त दे दी है, इतनी दूर दूर जाने की परमिशन दे दी है, तो मेरे अब्बू ने कहा बोलने दो, मेरी परमिशन है, मेरी बेटी जाएगी, मुझे अपनी बेटी का भरोसा है। लेकिन माने मेरे अब्बू का वो एतमाद, और वो ना आज मेरे, अगर वो मेरे साथ उस वक्त नहीं होता तो शायद मैं यानी होती, मेरे अब्बू का सपोर्ट, उनका एतमाद मेरे साथ था, और वो इतना प्राउड फील करते थे, यकीन माने, और आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरे अब्बू की वजह से मैं हूँ, क्योंकि मेरे अब्बू ने और मेरी अम्मी ने बड़ी मेहनत की है मेरे ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 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 जिस जिस चीज़ की मैंने तवाना की थी ना, मुझे अल्लाह ने वो सब चीज़ें दी हैं, शुक्र है उस मालिक का, मैंने जिस चीज़ में हाथ डाला, मुझे मैं मुझे ना मैं पागलपन की इंतहा नहीं होती स्पोर्ट्स में, मेरा वो था, यकीन माने मेरा वो था। और मेरे हमारे एक कोच थे मुजाहिद अली, उनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने ही मुझे बहुत, उनके वजह से ही मैं आज इस मकाम पर हूँ और थी, क्योंकि वो मुझे ट्रेनिंग वो करवाते थे, और वो जिस लड़की को ट्रेनिंग करवा देना वो लड़की पाकिस्तान की चैंपियन 100% बनती है, मुझे इतना पता है, क्योंकि बहुत अच्छे बेहतरीन कोच थे पाकिस्तान के, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनकी वजह से मैं और नादिया खान जो हैं वो हम, उनकी वजह से ही हम दोनों एथलीट बने थे, बहुत अच्छे कोच थे मेरे। और देखिए सबकी मेहनत होती है ना, लगन होती है, तब एक जाके ना एक प्लेयर तैयार होता है, आपकी अपनी अकेले की मेहनत नहीं होती, आपके कोच की भी इतनी मेहनत होती है, आपके घर वालों का सपोर्ट भी होता है, सबकी मेहनत होती है, तब पे जाके एक जो है ना खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो बस मेरा भी यही था।
आपको मैंने दिखा दिया, ये थी मेरी कुछ अचीवमेंट और मेरे मेडल्स का तो शॉपर मुझे मिल नहीं रहा, उसे मेरे इतने मेडल्स पड़े हुए, इतने मुझे याद भी नहीं है, मैं गिन भी नहीं पाऊंगी इतने सारे। वो कमरा जिस दिन जब मैं सेट करूंगी ना, जब मैं डाइनिंग वगैरह उधर डाइनिंग हॉल उधर बनाऊंगी अपना, सॉरी ड्राइंग रूम मैं सेट करूंगी ना, तो मैं एक छोटा सा कबर्ड टाइप बनाऊंगी, उसमें अपने सारे वो ना अपनी ट्रॉफीज अपने मेडल्स वहाँ लगाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, और जो है ना आपको मैंने सब दिखा दिया कि मैंने पाकिस्तान आर्मी से मैंने कब ज्वाइन किया था, मैंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की थी GHQ में ना, तो वहाँ से तस्वीरें मेरे पास कुछ फेसबुक पे हैं वहाँ से उठाऊँगी, और कुछ मैं देखूँगी एल्बम वगैरह पड़े हों तो वहाँ से निकाल के फिर लगा के लगाऊँगी इसमें, इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी, और कुछ तस्वीरें मैं आपके यहाँ लगा दूँगी अपनी थोड़ी स्पोर्ट्स की भी। तो बस यही थी ज़िंदगी की, बस बहुत स्ट्रगल थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब की। अच्छा किसी ने कहा था आपकी फिर आपने हस्बैंड के साथ वापस कैसे आई, तो देखिए जब इंसान ठोकरे खाता है ना, जब इतना टाइम अलग हो गया, जरा मैं इस्टेब्लिश हो गई, इनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया, तो फिर हम साथ रहने लगे थे, फिर वो एक हादसा ऐसा हुआ बेटी का, तो फिर थोड़े प्रॉब्लम हुए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब शुक्र है कि हम लोग साथ हैं, शुक्र है उस मालिक का, बड़ा परवरदिगार का बड़ा एहसान है। और आप कुछ लोग बोले थे आप ही आप ये, अच्छा आप लोग मुझे नीचे, तो मैं नीचे ये कर रही हूँ मेहंदी कर रही है ना मेरी, तो मैं इसको उतार रही हूँ, तो कुछ लोग बोले थे आप ही आप सूरत के बारे में बताएं जो क्या उसका वो, तो देखें वो ना मेरे हस्बैंड की ना दोस्त की बेगम है, अभी भी हैं, अभी लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन अब मैं उनसे बात नहीं करती, तो इस वजह से बस, और बाकी ये बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ है, तो मैं ये चीज़ को नहीं पब्लिक करूँगी, पर अल्लाह का उस मालिक का कि मैंने मेहनत की उसने मुझे इसका फल दिया, उस मालिक का बड़ा एहसान है। तो बस इतनी सारी जॉबें की, स्पोर्ट्स में अच्छा नाम बना लिया और सब कुछ कमा लिया, इज्जत भी बना ली थी, पैसा भी कमा लिया था, नाम भी बना लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह मर जाएंगे तो लोग याद करेंगे कि चलें कोई किरण थी। अभी भी कोचिंग सेंटर में जाएं नेशनल स्टेडियम में, काफ़ी लोग अब से फिर आप पूछेंगे किरण एथलीट जो 800 मीटर की चैंपियन थी, सब मुझे मेरा बताएंगे इंशाल्लाह। आपको अपने स्टेडियम भी दिखाऊँगी, जब जाना हुआ तो मैं वहाँ का ब्लॉग शूट करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत टाइम होगा मैं खुद भी नहीं गई हूँ वहाँ पर। तो बस यही सब कुछ था, होप कि आपको पसंद आया होगा, बस मेरी लाइफ की ये पूरी कंप्लीट स्टोरी जो मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, चलिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।